स्कूल का पहला दिन था। श्रीमती थॉमसन नाम की एक शिक्षिका ने पांचवी कक्षा में प्रवेश किया। बच्चे हमेशा की तरह कक्षा में बैठे थे। श्रीमती थॉमसन की एक आदत थी, कक्षा में प्रवेश करते ही सभी बच्चों को देखकर वो कहती थी, लव यू ऑल। आज भी उन्होंने कक्षा में चारों ओर देखा और कहा, लव यू ऑल। लेकिन वे जानती थी कि वे अपने आप से झूठ बोल रही है, क्योंकि क्लास में एक लड़का था जो बहुत गंदा लग रहा था। उसके कपड़े साफ नहीं थे, उसके बालों को और चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे नहाने की ज़रूरत है। उसमें ध्यान आकर्षित करने जैसा कुछ भी नहीं था, इसलिए श्रीमती थॉमसन को उससे कोई प्रेम महसूस नहीं हुआ। उस लड़के का नाम टेडी था। हर बार पढ़ाते समय वह बुरी बातों के लिए, नकारात्मक कारणों के लिए टेडी का उदाहरण देती थी, और अच्छी बातों के लिए, सकारात्मक कारणों के लिए उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देती थी। श्रीमती थॉमसन ने उस वर्ष प्रथम टर्म के लिए अपनी कक्षा के बच्चों के रिपोर्ट कार्ड बनाए और उन पर हस्ताक्षर करने के लिए सारे रिपोर्ट कार्ड प्रिंसिपल के पास लेकर गई। प्रिंसिपल ने टेडी की प्रगति रिपोर्ट देखी और श्रीमती थॉमसन से कहा कि श्रीमती थॉमसन, आपको टेडी की प्रगति रिपोर्ट पर कुछ लिखना चाहिए ताकि उसके घर वाले उसकी प्रगति का अनुमान लगा सके। आपने टेडी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर श्रीमती थॉमसन ने जल्दी से कहा, उस लड़के के बारे में मैं एक भी अच्छी बात नहीं लिख सकती। उस लड़के में कुछ ऐसा खास है ही नहीं जो मैं लिख सकूं। प्रिंसिपल ने कर्मचारियों से कहा, श्रीमती थॉमसन को पिछले 2 या 3 वर्ष के टेडी की प्रगति रिपोर्ट दिखाओ। और जैसे ही श्रीमती थॉमसन ने टेडी की दूसरी कक्षा की रिपोर्ट कार्ड को देखा तो उसमें लिखा था, टेडी कक्षा का सबसे होशियार छात्र है, वह सबसे अच्छा लड़का है, वह हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, अपनी कक्षा के बच्चों के साथ खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है। यह पढ़कर वह हैरान रह गई। उन्होंने टेडी की तीसरी कक्षा का रिपोर्ट कार्ड को देखा और उसमें लिखा था, टेडी की माँ को कैंसर है, इसलिए उसकी माँ टेडी की देखभाल नहीं कर सकती, यह सब उसके पिछड़ने का कारण बन सकता है। चौथी कक्षा के रिपोर्ट कार्ड में लिखा था, टेडी की माँ कैंसर की वजह से गुजर गई है और वह बिल्कुल अकेला है, टेडी को मदद की सख्त ज़रूरत है, वरना हम इस होनहार लड़के को खो देंगे। यह सब पढ़ते हुए श्रीमती थॉमसन अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। वे आंसू बहाते हुए प्रिंसिपल के पास गई और कहा, मुझे पता है कि इस लड़के के साथ क्या करना है। और वो जल्दी से हमेशा की तरह कक्षा में चली गई। उन्होंने कक्षा में चारों ओर देखा और कहा, लव यू ऑल। लेकिन वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि उनके हृदय में सबसे ज़्यादा प्यार अब टेढ़ी के लिए बह रहा था। वह कक्षा में हर अच्छी बात के लिए टेढ़ी का उदाहरण देने लगी और उसकी कमियों को नज़रअंदाज करने लगी। हर छोटी छोटी बात में उसे प्रोत्साहित करने लगी। इससे टेढ़ी में सुधार होने लगा और साल के अंत तक टेढ़ी ने बहुत अच्छी प्रगति कर ली। साल के आखिरी दिन सभी बच्चे अपने शिक्षक के लिए चमकीली कागज़ में गिफ्ट पैक करके लेकर आए, लेकिन पुराने अखबार में केवल एक ही गिफ्ट लिपटा हुआ था। सभी बच्चे उस गिफ्ट पर हंसने लगे। उन्हें पता था कि यह टेढ़ी का है, लेकिन श्रीमती थॉमसन ने सभी बच्चों को चुप रहने के लिए कहा और गिफ्ट खोला तो उसमें परफ्यूम की आधी बची हुई बोतल और एक पुराना ब्रेसलेट था जिससे कुछ चमकीले स्टोन भी गिर चुके थे। श्रीमती थॉमसन ने तुरंत परफ्यूम की बोतल खोली और कुछ अपने कपड़ों पर छिड़क दी और ब्रेसलेट पहनते हुए टेडी को देखकर मुस्कुराई। टेडी ने कहा, अब तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह महक रही हो। यह आखिरी परफ्यूम था जो मेरी माँ ने मुझे छोड़ने से पहले इस्तेमाल किया था। एक साल बाद श्रीमती थॉमसन के टेबल पर एक पत्र आया और उसमें लिखा था, मैंने अपने जीवन में कई शिक्षकों को देखा है, लेकिन आप सबसे अच्छे हैं। नीचे लिखा था, आपका प्रिय छात्र टेडी। हर साल श्रीमती थॉमसन को टेडी पत्र लिखना नहीं भूलता था और उसमें यह बात जरूर बताता था कि मैंने अपने जीवन में कई शिक्षकों को देखा है, लेकिन आप सबसे अच्छे हैं, आपका प्रिय छात्र टेडी। अब कई साल बीत जाते हैं। श्रीमती थॉमसन अब सेवानिवृत्त हो चुकी थी और उनका पता भी बदल गया था, लेकिन एक दिन पोस्टमास्टर उनका पता ढूंढते ढूंढते एक पत्र उनके लिए लेकर आए। पत्र पर हस्ताक्षर था, डॉक्टर थियोडोर PhD। बेशक पत्र टेडी का था, लेकिन टेडी अब PhD कर चुका था और डॉक्टर थियोडोर बन गया था। श्रीमती थॉमसन ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन आप सबसे अच्छे हैं। मेरी अब शादी हो रही है और मैं आपकी उपस्थिति के बिना शादी करने का सपना भी नहीं देख सकता।
कृपया मेरी शादी में जरूर पधारिए, आपका प्रिय छात्र टेडी। और साथ में फ्लाइट का टिकट भी भेजा था। अब श्रीमती थॉमसन के पास परफ्यूम की बोतल तो नहीं थी, हाँ, लेकिन ब्रेसलेट उन्होंने संभाल कर रखा था। उन्होंने ब्रेसलेट पहना और उस चर्च में पहुंच गई जहां टेडी की शादी हो रही थी। वे पीछे की पंक्ति में सीट ढूंढ रही थी कि कुछ सहायकों ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें सामने की पंक्ति में ले आए, जहां सामने की सीट पर मॉम नाम का एक कार्ड था। टेडी ने आगे आकर उन्हें यह कहते हुए बैठने को कहा, आप मेरे जीवन के सबसे करीबी व्यक्ति है, मेरी माँ की तरह। मैं आज जो कुछ भी हूँ केवल और केवल आपकी वजह से हूँ। शादी के बाद टेडी ने अपनी पत्नी को श्रीमती थॉमसन से यह कहते हुए मिलवाया कि अगर यह मेरी माँ जैसी टीचर नहीं होती तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। लेकिन श्रीमती थॉमसन ने टेडी की पत्नी से कहा, अगर ये टेडी नहीं होता तो मुझे कभी यह पता ही नहीं चलता कि कोई भी टीचर अपने छात्र की पहले एक माँ होती है और बाद में टीचर। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि प्रत्येक छात्र ने अपने शिक्षक को पहले एक माँ के समान मानना चाहिए और प्रत्येक शिक्षक ने अपने छात्रों को अपने बच्चे की तरह पढ़ाना चाहिए, ताकि हर स्कूल में ज्ञान के साथ प्यार की गंगा बहे और सभी का भविष्य उज्जवल हो। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।